सोना मोहापात्रा ने सलमान खान पर एक बार फिर साधा निशाना। फैजल सिद्दीकी के कंट्रोवर्शियल टिकटॉक वीडियो पर किया ये कंट्रोवर्शियल ट्वीट। आखिर क्या है ये माजरा, आइए जानते हैं। YouTube वर्सेस TikTok कंट्रोवर्सी ने पूरा सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। उसी में अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। वह सोना मोहापात्रा के एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट ने उन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में लाया है। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि आखिर उस ट्वीट में क्या लिखा है। डियर अलीजा नट, नथिंग बिफोर एंड आफ्टर द स्प्लाइस्ड वीडियो यू वर डिफेंडिंग ऑफ दिस गाय, जस्टिफाई इट। Demeaning women is normalized in our culture. We grew up with stories of Salman Khan breaking bottles on his girlfriend's head in public, yet the country's biggest star needs to stop. दरअसल हुआ ये कि TikTok star Faisal Siddiqui ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस TikTok वीडियो के जरिए एसिड अटैक को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद उन पर एक्शन भी ले लिया गया है और इस वीडियो के ऊपर सोना मोहापात्रा फैजल पर जमकर भड़की है। और सोना को हम उनके बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए तो जानते हैं ही। वेल, इस पूरे मामले पर टिकटॉक फेम फैजल सिद्दीकी ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं, हे फैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझ पर एसिड अटैक प्रमोट करने का इल्जाम लग रहा है। एक वीडियो का हाफ पार्ट कट करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं एसिड अटैक प्रमोट कर रहा हूँ। दैट्स नॉट द केस एट ऑल। आई एम एडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो क्लिप वेयर यू कैन क्लियरली सी दैट आई एम ड्रिंकिंग वाटर, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स वाटर, एसिड कौन पीता है। वॉट्स द कम्प्लीट कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो योर सेल्फ हियर। रिगार्डिंग द मेकअप, द गर्ल इन द वीडियो इज फैबी, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। I have collaborated with her numerous times in the past for videos. She has even shot with us for videos with the same makeup. It's just her way of projecting her part of art. That makeup in no way represents a victim of an acid attack. Again, just her way of projecting her art and profession. Here's an example. This is nothing but making people a target. Making misinterpretations and assumptions out of context is not fair. The video went live almost a month back and I don't know why people are making a fuss about it now. Maybe it's the ongoing TikTok versus YouTube rivalry that people are trying to capitalize on. Making such extreme allegations is very disappointing and disturbing. However, I still took down the video as I'm not interested in promoting any kind of controversy and apologize to anyone who was hurt by watching the video. Again, it does not promote any kind of inhumanity. Hope you support me. My intention was never to hurt anyone in any capacity. As a social media influencer, I realized my responsibility and apologized to anyone who was offended by the video. Well, आप हमें बताएं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और सोना मोहापात्रा के इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट से आप कितने सहमत हो? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।